जी हाँ दोस्तों, आप सबको तो ये अच्छे से मालूम है रामायण की गाथा। राम जी का वो सफ़र, सीता जी का अपहरण, रावण का आना और रावण का हरण करना, सीता जी को और रावण का वध होना, और राम जी और सीता जी का वापस आना, और राम जी की पूरी दुख भरी कहानी आप सबको सब कुछ मालूम है। जब राम और लक्ष्मण जी एक जगह इकट्ठा हुए थे और अंतिम सांस ले रहे थे रावण, तो रावण के ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ और रावण से अंतिम समय पर जो ज्ञान ले सकते हो ले लो। लक्ष्मण जाकर सबसे पहले रावण के जो 10 सिर होते थे, उनके एक जो बीच वाला सिर होता था उनके सिर के ऊपर पीछे जाके खड़े जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, तुम ज्ञानी थे मगर अब तुम जा रहे हो, तो ज्ञान के विषय में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें मुझे बताना चाहोगे। तो रावण के मुख से कुछ नहीं निकलता है, टस से मस नहीं होते हैं वो, और जिस क्रूरता से उनकी पहचान होती है उसी क्रूरता से वो देखते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण निराश होकर वापस राम जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे राम, रावण तो कुछ भी नहीं कह रहा है, ऐसा क्यों? तो राम जी कहते हैं, आप खड़े कहाँ थे? सिर पे खड़े रह के ज्ञान नहीं लिया जाता है, ज्ञान लेना है तो चरण की तरफ जाओ। लक्ष्मण जी चरण की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ जाके खड़े होते हैं। हे रावण, पहली बार भूल हुई थी, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, नाउ आई हैव कम स्ट्रेट एंड नाउ आई एम कम करेक्टेड, तो कृपया बताइए कि अब आप जाने से पहले वो क्या बताएंगे। तो रावण जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, हाँ अब तू सही आया, नाउ यू आर लाइक अ स्टूडेंट, अब मैं तुम्हें बताऊंगा 3 ज्ञान की बातें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कभी भी दुश्मनी नहीं लेना अपने ड्राइवर से, अगर ड्राइवर है तो। दूसरा, अपने गेटकीपर से, अगर गेटकीपर है तो। तीसरा, अपने कुक से, यानी कोई आपके खानसमा होगा है ना, उससे नहीं लेना, मालूम है ना, वो जहर डाल सकता है, नमक ज़्यादा डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो गंदगी भी डाल सकता है, खाना पड़ेगा। और आपके भाई से, ये 4 लोगों से कभी भी दुश्मनी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी भी आपको पत्ता साफ कर सकते हैं, ये पहली बात। दूसरा, आप कितने बार भी जीत रहे होंगे तो जीतते रहिए, है ना, एंजॉय कीजिए, रिजॉइस एवरी विन दैट यू ट्राइम दैट यू अचीव ऑन द वे, है ना, रिजॉइस। बट अगर किसी एक भी व्यक्ति ने आपको क्रिटिसाइज किया हो तो उसको आप नकार के मत फेंकिए। आप जीत रहे हैं हमेशा, तो इतना याद रखना कि आप हमेशा जीत नहीं सकते। बहुत मतलब की बात है कि आप जीतने में आपको आपकी एक कॉम्पिटेंसी लेवल आ जाता है, एक स्पिरिट आ जाता है, आप कहते हैं कि नाउ आई एम अ न्यूमरो ऊनो, राइट, नोबडी कैन टेक माय प्लेस। बट ऐसा नहीं है, आप इतिहास झांक के देखिए, आप राजाओं पे राजा आते रहे, खिलाड़ियों पे खिलाड़ी आते रहे, और ये चलता रहेगा, ये डायनेमिक प्रोसेस है, फिनोमिना कहलाता है, फिनोमिनन, राइट, तो ये आता रहेगा, जाता रहेगा, और लोग आते रहेंगे और अपना परचम लहराते रहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि आप जीतते रहो तो ये तो ठीक है, पर हमेशा जीतते रहोगे इस बात के लिए तैयारी रखना। वो जो आपके सामने आके आपको क्रिटिसाइज करते हैं उसे कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझना, क्योंकि जो आपके हितैषी है वही आपके बारे में बोलेंगे, चांद में दाग है, आपकी रोशनी अच्छी है मगर दाग है, ये दाग है, तो आपको अंदर झांकना है और देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये दूसरा ज्ञान था। तीसरा ज्ञान, रावण ये कहते थे लक्ष्मण जी से कि प्यार करो या नफरत, बहुत शिद्दत से करना, प्यार हो या वार हो, ये दोनों में करना है तो शिद्दत से करना, वरना नहीं करना। तो ये 3 बातें हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, और वो 3 बातें आज भी बड़ी बड़ी रेलेवेंट है, क्योंकि हम अगर किसी से दुश्मनी ले तो बहुत महंगी पड़ती है, आज के ज़माने में तो किसी से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, हाँ, एक विनिंग स्पिरिट अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा नंबर 1 रहेंगे ये ज़रूरी नहीं, तैयारी रखिएगा। क्रिटिसिज्म हमेशा ओपन माइंड के साथ लीजिए, आलोचना कभी भी होती है तो उसे खुले दिमाग से लेना चाहिए, ये दूसरा। तीसरा, चाहे प्यार करो या वार करो, दोनों में आपकी शिद्दत ऐसी होनी चाहिए कि आप उदाहरण स्वरूप माने जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज के ये ट्रायंगल थ्योरी में जो लक्ष्मण जी को बात समझ में आई होगी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अमल लाया होगा, वैसे आप भी ला सकते हैं। धन्यवाद।